नवरात्रि दुर्गा पूजा में भले ही अभी एक दिन बाकी है, मगर देश भर में इसकी रौनक अभी से दिखने लगी है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी मूर्ति तैयार करने का काम शुरू हो गया है और मूर्तिकार अब मूर्तियों में अंतिम रूप दे रहे हैं। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां भगवान की मूर्तियों को अलग अलग रंगों से सजाने का काम जोरों पर चल रहा है। जैसे जैसे शारदीय नवरात्र की तिथि नजदीक आ रही है, जिले में दुर्गा पूजा की तैयारी भी तेज हो गई है। देवी प्रतिमाओं के निर्माण की गति भी तेज हो गई है। कई मूर्तिकारों के यहाँ तो अब रंग रोगन भी शुरू हो गया है। पंडाल आदि के निर्माण की प्रक्रिया में भी तेजी दिखाई देने लगी है। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन की भूमिका भी अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। खास तौर पर जब से कोर्ट के निर्देश पर नदियों में प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाई गई है, उसके बाद से अब देवी प्रतिमाओं का विसर्जन कुंडों में कराया जाने लगा है। ऐसे में वो कुंड जहां प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, उन्हें दुरुस्त करने का दायित्व प्रशासन पर होता है। जब हमारे पीबीसी न्यूज संवाददाता सुनील सेन इसके विषय में मूर्तिकार से जानकारी चाहे, तो मूर्तिकार ने कहा कि कोरोना काल में गणेश की बड़ी प्रतिमा पर प्रतिबंध लग गया था, जिसके कारण मूर्तिकारों को काफी तंगी से गुजरना पड़ा था। लेकिन नवरात्रि में इस बार प्रदेश सरकार के आदेश के बाद मूर्तिकारों के चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है। वहीं मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार 11 फीट तक की मूर्ति वह बना सकते हैं, जिससे अब उनको आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा और उनका घर परिवार अच्छे से चल सकेगा। कोरोना काल के चलते हुए हमारी गणेश प्रतिमा बिक नहीं पाई थी। स्वराशी चौहान ने 5 फीट से ऊपर का आदेश दिया था हमारे दुर्गा जी बनाने का, लेकिन अभी उसके चलते हुए 10 फीट से 11 फीट तक की मूर्ति का आदेश दिया है बनाने के लिए। तो हम लोग सोचते थे ये नहीं वो हो पाएगा तो हम लोग का घर गृहस्थी कैसे चल पाएगी, पर उसके चलते अभी ये हो रहा है तो अब लग रहा है कि हाँ हम लोग अपना घर परिवार चला सकते हैं। मानते हैं कि आप लोग के खुशियों के लिए बहुत अच्छे पल आए? हाँ लगता है। कितनी मूर्ति अभी आप लोगों की तैयार हो चुकी है, कितनी जाने है? अभी हम लोग की 3 मूर्ति जानी है, आज 17 मूर्ति बनाई थी हम लोगों ने। आपका सही नाम? श्रद्धा चक्रवर्ती जी। बताए कोरोना काल के चलते दुर्गा जी पे गणेश प्रतिमा बनाई तो बिक नहीं पाई, तो हम लोग ने मूर्तियाँ बनाई दुर्गा प्रतिमा 5 फीट की, तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि बिके या ना बिके, फिर उसके बाद में आदेश आया कि 10 फीट की मूर्तियाँ 5.5 फीट की मूर्तियाँ का आदेश आया, तो हम लोग ने बनाई। फिर उसके बाद प्रतिबंध लग गया कि मूर्तियाँ नहीं रखी जाएंगी, फिर उसके बाद में 10 फीट की मूर्तियाँ का आदेश आया तो हम लोग ने बनाया मूर्तियाँ। तो मूर्ति हम लोग ने तैयार करी तो 8 मूर्ति हम लोग की तैयार हो चुकी थी। और अतिक्रमण के पहले हम लोग का मकान टूट गया था तो फिर हम वहीं पर रह रहे हैं, तो हम लोग की 10 फीट की मूर्तियाँ का अतिक्रमण आया तो हम लोग ने बनाया, तो वे बिक जाएंगी तो हमारा घर परिवार भी चलेगा, और नहीं बिक पाएंगे तो कैसा घर परिवार चलेगा, और अब बिक जाएंगे तो हमारा घर परिवार भी अच्छा चलेगा, उसी के भरोसे थे मूर्तियों के। कैसा लगेगा आप लोगों को? हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि मूर्ति बिक जाएंगी तो घर परिवार भी चलेगा, और ना बिक पाती तो हम लोग का घर परिवार भी यहाँ चल पाएगा। शिव कुमार मूर्तिकार, श्रद्धा कलामंद, मीनाबाई चक्रवर्ती। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।